या आप कभी मन नहीं लगता है पढ़ाई में? क्या आपको भी एग्जाम में कम नंबर आने की वजह से घर वालों के तानों का शिकार होना पड़ता है? क्या आप भी इंडिया की आधी जनता की तरह बेरोजगार हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं? जी हाँ, आप आ गए हैं एकदम गलत जगह पे। एकदम गलत जगह पे आए हो। YouTube सही जगह नहीं है। अरे जाओ जाके पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। YouTube, जी हाँ, वही जगह जहाँ आप दिन के 24 घंटे में से 26 घंटे बिताते हैं। ऐसी जगह पे टोटकों को कोई बिछाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ही सबसे पीछे हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ फर्स्ट डिग्री का टॉर्चर सहते हुए सेकंड कैटेगरी का थर्ड क्लास कंटेंट देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं झाड़ू का पहला प्रयोग। बच्चे का मन शिक्षा में अगर नहीं लगता है तो झाड़ू का कमाल कैसे होगा? उपाय देखिएगा, एक झाड़ू को 7 जगह से कलावा से बांध लीजिएगा। एक नया झाड़ू सींक वाला लेना है, उसको 7 जगह कलावा से बांध लीजिए और रात भर के लिए बच्चे की सिरहाने रख दीजिए। बस यही तो चाहिए था। किताबें ये क्या होती हैं? पढ़ाई के लिए झाड़ू रखो, वो भी सीधी नहीं, मेकअप करके। उसको 7 जगह कलावा से बांध लीजिए। पढ़ाई ना करने पर जिस चीज से आपको मारा जाता है, अब वही चीज आपको पढ़ाई में मदद करेगी। ऐसा चमत्कार सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। एक मिनट, क्या सारे टॉपर यही देख के टॉप मारते हैं क्या? अब देखो, अगली IAS ऑफिसर मैं ही तो हूँ। One death to society later. परीक्षा को पास करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप परीक्षा, कोई सी परीक्षा देने जाए, किसी भी दिन, किसी भी समय, तो घर से सीधा पैर बाहर निकाले, उसके बाद ही परीक्षा देने जाए। अरे यार, बस यही तो करना भूल गई थी मैं, वरना अगली IAS ऑफिसर बनने से बस एक स्टेप पीछे रह गई मैं। मैंने गलती से उल्टे पैर रख दिए थे ना, लेकिन वीडियो तो एकदम सही है। कोई भी इस वीडियो को गलत नहीं बोलेगा। जिसने भी इस वीडियो को गलत बोला ना, वो पूरे इस दुनिया का सबसे सच्चा इंसान। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, अभी और भी है। एक धागा ले लीजिए, इस धागे को एक रात के लिए अपने कमर में नाभि के पास गांठ लगाकर बांध दीजिए। ये धागा पीले रंग का होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब याद करने वाला काम जो कि दिमाग का था, वो अब मेरे पेट पे बंधा हुआ धागा करेगा ना। नहाने के बाद धागे को खोल लीजिए और एक प्लेट पर नीचे फूल बिछाकर धागा उस पर रख दीजिए और सामने दिया जला दीजिए। फिर जितने भी पेन आपको परीक्षा में यूज करने हैं, जितने भी पेन, लिखने वाली चीज, पेंसिल, स्केच पेन, इंक पेन, बॉल पॉइंट पेन, जितना भी, 1, 2, 3, 4, 10, 20 जो मर्जी, वो वहां पर दिया के सामने रख दीजिए और फूल में, फूल के ऊपर प्लेट पर फूल है, प्लेट है, फूल है और धागा है, रख दीजिए। उस धागे ने सब याद कर लिया। अब वो उसे पेन में ट्रांसफर कर देगा। अब मेरा पेन खुद पूरा एग्जाम लिख कर आएगा। ओह माय गॉड, वाओ। अगर आप यहाँ लॉजिक ढूंढ रहे हैं तो सॉरी, वो तो यहाँ टिकटॉकर्स के वीडियो से भी ज्यादा कम है। 2000 years later. हेलो दोस्तों, बहुत सालों तक मैंने एग्जाम दिए, सब में मैं टोटका करती थी और अब मैं एक बेरोजगार भी हूँ। Just then. आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर में एक लौंग चुपचाप रख दें और उसके बाद इतना पैसा बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। ओह, अब पता चला मुझे मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी। हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन अंबानी जी के पीछे लौंग का हाथ है।
दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस टोटके के बारे में किसी को बताना नहीं है। ओके ओके ओके, किसी को नहीं बताना है। आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय बड़ा फायदा देता है। ये उपाय आपकी धन की कमी को दूर कर सकता है। ओह, सुन लो यार, रिकॉर्ड सुन लो। वैसे भी कमी नहीं है ऐसे कंटेंट की। ओ भाई, एक लोटा जल लीजिए। अब इसमें दो बड़ी इलायची डालकर इस पानी को उबाल दीजिए। पानी इतनी देर उबालिए जब तक कि वह आधा न रह जाए। अब इस पानी को अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। ऐसा आपको हर शुक्रवार करना है। मम्मी को पता चला ना कि बरसों बाद किचन में गलती से कदम रख कर मैं इसलिए आई हूँ ताकि गर्मी में गर्म पानी में इलायची डाल के नहा सकूँ, तो स्कूल की जगह मेंटल हॉस्पिटल भेजेंगी। अरे यार, लाइट चली गई। अब फिर से टोटके करके लाइट लानी पड़ेगी। चलो गाइज, मैं जा रही। अब आप भी जाओ और अपना अपना काम करो। और काम करने से मेरा मतलब टोटके करना नहीं है। और जाते जाते सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा देना। उसके लिए किसी टोटके की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय।